सराफा व्यापारी पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला कर गहने लूटने की वारदात का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश कर लिया है। उसने इस टोली के मुखिया एक राष्ट्रीय पार्टी की युवा इकाई के कार्यकर्ता सहित 6 सदस्यों को हिरासत में लिया है। ज्ञात हो कि पांच पावली पुल पर शनिवार दोपहर 4 बजे इतवारी के सराफा व्यापारी केतन कामदार को जख्मी कर लूट लिया गया था। वे पांच पावली में व्यापारी को गहने देकर दुकान लौट रहे थे। मोपेड पर ट्रिपल सीट सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। वह कामदार को जख्मी कर उनकी मोपेड और मोबाइल छीन कर भाग गए थे। मोपेड में करीब आधा किलो गोल्ड ज्वेलरी रखी थी। इनकी कीमत 22 लाख रुपए है। कामदार के बेटे ने पूछताछ में इसकी पुष्टि की। कामदार की इतवारी की नाइक गली में शॉप है। वे छोटे व्यापारियों को होलसेल में गहने बेचते हैं। पांच पावली के कई व्यापारी उनके नियमित ग्राहक हैं। सराफा व्यापारी के कर्मचारी को कामदार के पास भारी मात्रा में गहने होने का पता था। उसने भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े ठक्कर ग्राम पांच पावली निवासी बिट्टू समरिया को कामदार को लूटने की टिप दी। करीब 1.5 माह से वह साथियों की मदद से इस योजना पर काम कर रहा था। बिट्टू और साथियों ने कामदार का कई बार पीछा किया और पांच पावली पुल पर कामदार पर हथियार से हमला कर मोपेड छीन ली। क्षेत्र के सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। क्राइम ब्रांच ने आज सुबह अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर बिट्टू और 2 साथियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद अन्य 3 साथियों को भी पकड़ लिया। इस वारदात को सुलझाने को लेकर रविवार की सुबह पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने क्राइम ब्रांच और सभी अधिकारियों से जिमखाना में 2 घंटे तक चर्चा की। उन्होंने तत्काल गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने उत्तर नागपुर और कामठी में वांछित बिट्टू के 3 साथियों को भी दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1100 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे वारदात का पर्दाफाश करने वाले सभी पुलिस जवानों को 4 लाख रुपए रिवार्ड दिया गया है और उनकी इस कामयाबी की सराहना पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने की। यामध्ये एकूण 6 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे, ज्यामध्ये 3 प्रत्यक्ष घटना करणारे 3 आरोपी होते आणि टिप आणि प्लॅनिंग मध्ये इतर 3 आरोपी होते। असे 6 आरोपी एकूण अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांना काही विशेष अशी क्राइम रिकॉर्ड पूर्वीची अशी दिसत नाही, परंतु एकावर एक आर्म्स ॲक्टची 425 आर्म्स ॲक्टची एक जुना गुन्हा दाखल आहे, परंतु अशा काही क्राईम रिकॉर्ड भरपूर रॉबरी वगैरेचे अशा प्रकारचे कोणताही रिकॉर्ड त्याचे आतापर्यंत दिसून आलेली नाही। ते काही एक त्यांचे सोशल मीडियाचे आरोपीचे अवलोकन केले असतात, कोणताही काही पॉलिटिकल पार्टीचे समर्थन ते करतात अशा दिसून येत आहे, परंतु काही ॲक्टिव कोणी पार्टीचे काही मेंबर होते आत्तापर्यंत अशा दिसून आलेले नाही। परवा दुपारी 4 वाजताचे सुमारास एक रोड रॉबरी झालेली आहे, ज्यामध्ये सराफा त्यांचे माल घेऊन जात असताना 3 आरोपींनी त्यांना जखमी करून माल घेऊन गेले अशा प्रकारची फिर्याद आली, इन्फॉर्मेशन आली होती। लगेच पूर्ण पोलीस यंत्रणा त्या तपासामध्ये लागले होते। अंदाजन 500 लोकेशनचे 4 तासाचे म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 2000 आवर्सची CCTV तपासणी वेगवेगळे टीम्स करून करण्यात येत होती। पुंछ शहराला नाकाबंदी लावून शहराचे बाहेर जाणारे सर्व रस्ते सील करण्यात आले होते आणि संध्याकाळीपर्यंत आरोपीचे नाव निष्पन्न झाला होता। काल संध्याकाळी क्राईम ब्रांचची एक टीम पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना ते आरोपी एका ठिकाणी कामठीमधून जात असताना दिसले। लगेच पुणे पोलीस विभागाला सतर्क करण्यात आला होता आणि नंतर बीट मार्शल्स कामठीचे बीट मार्शल्स यांनी प्रत्यक्ष ते आरोपीला पडताना पकडले आणि त्यांच्याकडून मुद्देमाल जे चोरी गेलेले माल होता ते रिकवर करण्यात आलेली आहे। यामध्ये एकूण 6 आरोपी अटक करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये 3 आरोपी ज्यांनी प्रत्यक्ष घटना केला आणि 3 आरोपी जे ज्वेलर शॉपमध्ये कामगार म्हणून काम करत होते, ज्यांनी हे टिप आणि प्लॅनिंगमध्ये त्यांनी ॲक्टिव भूमिका बजावली होती, अशा 6 आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। यामध्ये पोलीस टीम ज्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे, वेगवेगळे पथकांना मिळून 4 लाखाची कॅश रिवॉर्ड जाहीर करून आज प्रत्यक्ष ते रिवॉर्ड वितरित करण्यात आलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।